सलामु अलैकुम सब दोस्तों को। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए डिज़ाइन के साथ। तो आज का हमारा वही पुराना टॉपिक है कि 3D आर्ट करने का तरीका जी। तो कुछ दोस्त मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर ये आप लीक के बनाते हैं, पहले इसका स्केच बना के बनाते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल सिंपल और एक प्रैक्सेट होगी याद की, ये लीक के नहीं बनाता मैं, ये बिल्कुल सीधा ही ऐसे बनाता हूँ अपने हाथ से, इसकी ट्रेनिंग की हुई है तो इस वजह से जो है ना ये प्रॉपर बन जाता है। बाज़ दफ़ा भी इसमें 19-20 का फ़र्क भी आ जाता है, वो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आज जब मैं अब से नई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पहले आपको दीवार दिखाऊंगा जूम करके, ये देखें यहाँ पे कोई निशान, कोई लिखा हुआ कोई निशान नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा। तो चलें ये तो बातें होती रहेंगी इससे छोटे। तो आज का हमारा टॉपिक है ये नया एक 3D का डिज़ाइन आया, ये आप सब दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे, और मेरा यही होता है कि अगर किसी दोस्त या भाई कोई मेरे मुझे देख के या इस डिज़ाइन को देख के बना ले तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है कि जो जिस मकसद पे मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात बकाया, आप एहतियात से देखें, इंशाल्लाह ये बनेगा, बहुत इजीली बनेगा। तो ये कलर के बारे में कहते थे दोस्त के बताया करें, ये कलर इस तरह के आपने ऑफ वाइट कलर ले लेना, उसमें लाल टेंटर फेंक देना वाटर मैड में ना, ये लाल टेंटर फेंक देना तो ये कलर बन जाएगा। तो मकदार के हिसाब से आप देख लें, ये ना रेड है और ना ये पिंक है, तकरीबन ये डार्क पिंक कह लेंगे, ठीक है? तो वाटर मैड में ये कलर शेडिंग किया करें, क्योंकि वाटर मैड में एक तो दाग नहीं आते, धब्बे नहीं आते, तो दूसरा ये मजबूत होता है, इसमें टेंटर का जो है ना वो शेड नहीं नज़र आती, जिसे वो कहते हैं कि 2-3 शेड देता है, कहीं से डल हो जाता है, कहीं से लाइट हो जाता है। तो आप वाटर मैड में ये काम करें, मैं नीचे जोतन का माल लगाया हुआ है, तो ऊपर वाटर मैड जोतन का, ये ऊपर भी, तो इस वजह से मैंने पेंट अपने बना के रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे, आप में से किसी एक दोस्त ने भी ये डिज़ाइन सीख लिया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मुझे और आप दोस्तों से कुछ नहीं चाहिए, आप दोस्त जो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सब दोस्तों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया मैं उनका अदा करता हूँ, जो दोस्त मुझे अपना कीमती टाइम देते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं भी आपको जैसे आपका दिल हो, जैसे आपका माइंड हो, मैं आपको समझा सकूँ, मेरी बस इतनी सी कोशिश है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं इस कोशिश पे पूरा उतरूँगा और आप दोस्तों को दिल भी नहीं दुखाऊँगा। तो दूसरी बात ये है भाईजान कि कोई भी दोस्त मुझसे काम करवाना चाहे, किसी को ना समझ जाए, वो अच्छा कारीगर हो, नॉर्मल कारीगर हो, लेकिन मुझसे सभी सीनियर हैं, सभी मुझसे अच्छे कारीगर हैं, यूट्यूब पे जितने भी हैं या वैसे भी आम जिंदगी में शहरों में होते हैं, सिटियों में। लेकिन ये मुझे ना बहुत बुरी बात लगती है, आज भी एक दोस्त आया था कि भाईजान मैं काम सीखना चाहता हूँ लेकिन अगर आप सिखाएंगे तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा कोई मसला नहीं है, आप आएँ आप सीखें, अपने जहन से सीखना, मैंने आपको बताना बस, और कोशिश करूँगा 100 में से 100 जितना मुझे आता है 100 से 100% आपको बताऊँ, और आप सीखें, आप रिजक कमाएँगे तो मेरा ज़िंदगी में आने या दुनिया पे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। आप दुआ देंगे और ये दुआएं लेके जानी है, पैसा नहीं जाना साथ, कुछ भी नहीं जाना। तो बकाया बाकी बातें सब डायलॉग बाजी ख़त्म,
انشاءاللہ اللہ خیال رکھے. آپ سب دوست دیکھیں پراپرلی, آپ کو جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہتر دیکھنے کو ملے گا, اور امید ہے کہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا. اور اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اب کام شروع کرتے ہیں, تو آپ ویڈیو کو واچ کریں, تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے اس ویڈیو پہ اچھا سا میوزک لگاتا ہوں اور آپ انجوائے کریں. تو جب آپ مجھے دیکھیں, میرا واچ ٹائم ویڈیو پہ آتا ہے, جب وائیو آتے ہیں, کتنے وائیو آئے ہیں, کیسے کتنوں نے سبسکرائب کیا, کمنٹ آئے ہیں, لائک آئے ہیں, تو پھر دیکھ کے میں خوش ہوتا رہوں گا. تو انشاءاللہ چلیں, اب آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.